हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम दो टेबल्स के रिकॉर्ड्स को एक साथ लेके आ सकते हैं, रन करवा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो, कोई गलती हो गई हो तो उसमें हम कैसे चेंजिंग ला सकते हैं। तो पुराना रिकॉर्ड हम चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पर हमने जो एम्प्लॉय नाम से बनाया था इसमें डेटाबेस मौजूद होगा, तो यहाँ पर अगर टेबल पर क्लिक करते हैं हम तो हमें डेटाबेस को दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये टेबल वन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यही वो टेबल वन थी, एम्प्लॉई नेम था, एम्प्लॉई आईडी थी और पोस्ट था। ये यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ से अब ये दिखाई पड़ने लगा। इसी तरह से आईडी को भी यहां से हम खींच देंगे, ये तो ये आईडी भी दिखाई पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग करें, कुछ और भी चीजें ऐड करें, तो हमें ऐड करना है। तो ये ऐड कैसे होगा, तो आपको याद होगा कि छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है। हम टैली जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर कोई भी चेंजिंग करनी होती थी तो अल्टर का प्रयोग हम क्या करते थे, तो यहां पर भी हमें अल्टर कीवर्ड का यूज करना है। एक कीवर्ड यूज करेंगे अल्टर, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ क्वेरी बनाते हैं नया, चलते हैं क्वेरी पर और यहाँ पर हमको अल्टर यूज करना है, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं अल्टर। इस तरीके से अल्टर यूज करना है और कौन से टेबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखता हूँ टेबल, ठीक है। और फिर हमें टेबल का नाम देना है, तो टेबल का नाम क्या है हमारे, तो जो भी टेबल हो उस टेबल का आपको नाम लिखना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारे टेबल का नाम क्या था, तो हमारे टेबल का नाम टेबल वन था, तो वही टेबल वन आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देते हैं टेबल वन, ये टेबल वन लिख दिया हमने। अब क्या करना है, टेबल वन तो हो गया, लेकिन अब इसमें अल्टर क्या करना है, कैसे अल्टर करेंगे, तो वो चीज देखनी है, ठीक है। तो यहां पर हमें देना होगा करना, जो ऐड करना है वो यहां पे दे दीजिए। यहां पे लिखता हूं ऐड, ए डबल डी ऐड। तो क्या ऐड करना चाहते हैं, तो अब हम ऐड करना चाहते हैं एम्प्लॉई आईडी ले लिया, एम्प्लॉई नेम ले लिया, यहां पे ऐड करना चाहते हैं एम्प्लॉई की सिटी, तो ये सिटी ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और सिटी जो लिखेंगे हम वो कितने कैरेक्टर्स का होगा, तो यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन कर देते हैं इसकी, सी एच ए आर, कैरेट डेटा टाइप, और इसमें हमने ये मेंशन कर दिया कि 30 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो ये 30 लिख दिया हमने। और 30 लिखने के बाद यहां पर इसे टर्मिनेट कर दिया। अब ये एक्सिक्यूट तो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां से आप चलाएंगे इसको, ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, पहले भी एक्सिक्यूट हो रहा था, लेकिन अब ये पता कैसे चले कि इसमें जो हमने सिटी नाम का फील्ड ऐड किया है वो आया है कि नहीं आया है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ नीचे आएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे स्टार, ठीक है। और कहां से सेलेक्ट करना है, तो फ्रॉम, अब उस टेबल का नाम देंगे लाइक टेबल वन, टेबल वन से सेलेक्ट करना है, टेबल वन में ही तो इसे डाला हमने, यहाँ पे देखिए ये टेबल वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल वन आप सेलेक्ट कर ले और यहां से आप जो भी मतलब ये करना हो, तो ये टेबल वन कर दिया हमने और पूरा टेबल वन सेलेक्ट कर रहा है, और खाली आपको इस वाले लाइन को सेलेक्ट करना है, ये जो सेलेक्ट कीवर्ड लिखा है इसी को, और यहां से आप एक्सिक्यूट करिए आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिटी वाला कॉलम भी आ चुका है, यहाँ पे नल लिखा हुआ है, चूंकि हमने नल किया था इसमें, इस वजह से यहाँ नल लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ लिखा नहीं है इसमें, कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया, दैट्स व्हाई यहाँ पे नल लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं सिटी वाला कॉलम भी इसमें ऐड हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ और ज्यादा नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।